वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट। नेम ऑफ द चैप्टर इज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और सेशन नंबर 3 फाइल सर्च एंड टेक्स्ट सर्च इन लिनक्स। अभी हम लोगों ने प्रीवियस सेशंस में देखा कि व्हाट इज लिनक्स, लिनक्स क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली क्या होता है, उसका क्या काम होता है, ठीक है, और उसकी अलग अलग विशेषताएं भी हम लोगों ने देखी है। तो इस सेशन में हम लोग देखने वाले कुछ कमांड्स जिसका यूज करके हम लोग अलग अलग फाइल्स का सर्च कर सकते हैं। सर्च मतलब क्या, हम लोग फाइल्स को ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो कमांड्स कैसे, फाइल्स को ढूंढने के लिए कैसे कमांड्स का यूज करता है वो हम लोग देखेंगे, ओके। तो हम लोग एक एग्जाम्पल पकड़ते हैं। हम लोगों के पास ऐसे सब फाइल्स है, तो लेट कंसिडर दिस हायरार्की। हायरार्की का मतलब क्या होता है, कौन से फोल्डर के अंदर कौन सा फोल्डर है, कौन सी फाइल है, ये जस्ट हम लोगों ने एक डिजाइन कंसीडर किया है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लोग कमांड का यूज करेंगे, ओके। तो हमारी फर्स्ट कमांड है टू सर्च अ फाइल विद स्पेसिफिक नेम। एक फाइल को हम लोगों को सर्च करना है, फाइंड आउट करना है एक कोई स्पेशल नेम से, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज हम लोगों का फाइल का नेम है सैंपल, ओके। तो अगर मुझे सैंपल नाम का फाइल लिनक्स में फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये होता है सिंटैक्स, ये होता है डॉलर साइन डॉलर फाइंड डॉट gfg नेम सैंपल डॉट txt। तो ये हो गया इसका सिंटैक्स, ठीक है। gfg हो गया फोल्डर का नेम और ये सैंपल हो गया फाइल का नेम। तो ये अगर जब हम लोग फाइल, इसके बाद में ये जो सैंपल का फाइल है वो हम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट कमांड है सर्च फाइल विथ पैटर्न। एक स्पेशल पैटर्न के साथ हम लोगों को फाइल का सर्च करना है। पैटर्न का मतलब क्या होता है, ये है पैटर्न, जैसे डॉट txt, txt हो गया पैटर्न, मतलब हम लोगों को सब सिर्फ टेक्स्ट फाइल चाहिए। अगर आपको पिक्चर फाइल जब चाहिए होती है तब डॉट jpeg आप यूज कर सकते हैं। तो ऐसे एक्सटेंशन हम लोग देते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा एक्सटेंशन का मतलब, हम लोग पावर पॉइंट में या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर में जब हम लोगों का डॉक्यूमेंट सेव करते हैं तो उसको एक एक्सटेंशन मिल जाता है। तो ऐसे ही एक एक्सटेंशन है txt, टेक्स्ट फाइल के लिए, ठीक है। तो हम लोग जब ये पैटर्न्स मतलब ये टेक्स्ट मतलब जो टेक्स्ट फाइल्स है ये हम लोगों को सब फाइल्स मिल जाएंगे, ठीक है। और स्टार मतलब सिलेक्ट ऑल के लिए हम लोग यहाँ पे स्टार का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका ये कमांड का मतलब हो गया कि जितने भी टेक्स्ट फाइल्स हैं ऑल टेक्स्ट फाइल्स हम लोगों को चाहिए, तो तब हम लोग ऐसे कमांड्स का यूज करते हैं। सेम उसका पैटर्न भी, सिंटैक्स भी सेम ही है, डॉलर फाइंड gfg मतलब फोल्डर नेम होगा ही और स्टार डॉट txt। अब हमारी नेक्स्ट कमांड है हाउ टू फाइंड एंड डिलीट अ फाइल विथ कन्फर्मेशन। अगर हम लोगों को हम लोगों के फोल्डर में से कोई फाइल जो है वो डिलीट करनी है, ठीक है। बट हम लोग जैसे अभी भी कंप्यूटर में देखते हैं जब कोई फाइल हम लोग डिलीट करते हैं या फिर कोई भी फोल्डर हम लोग डिलीट करते हैं तो क्या आता है मैसेज, डू यू रियली वॉन्ट टू डिलीट, मतलब हम लोगों को कन्फर्मेशन के लिए मैसेज आता है कि हम लोगों को डिलीट करना है या नहीं करना है, ओके। तो इसके लिए यहाँ पे भी कन्फर्मेशन पूछा जाता है, जैसे ये सिंटैक्स हो गया नेम सैंपल डॉट txt, ये हम लोगों का फाइल का नाम है और ये सिंटैक्स है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पूछेगा आपको फाइल डिलीट करनी है, तो फिर यहाँ पे जब हम लोग वाई प्रेस करते हैं, वाई वहां पे टाइप करेंगे तब वो फाइल डिलीट हो जाएगा, ओके। और अगर एन टाइप करेंगे तो वो फाइल डिलीट नहीं होगा। तो ऐसे करके कंफर्मेशन पूछा जाता है, ऑलराइट। देन नेक्स्ट कमांड सर्च फॉर एम्प्टी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। एम्प्टी फाइल्स मतलब क्या होता है, जिसमें कोई भी कंटेंट नहीं है। तो ऐसी एम्प्टी फाइल्स जब हम लोगों को सर्च करनी है
तब हम लोग ये कमांड का यूज करते हैं। ऐसे कमांड्स का यूज एक्चुअली डॉस जो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें भी हम लोग कमांड्स का यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें कमांड्स का सिंटेक्स जो होता है वो अलग होता है। ओके, अब नेक्स्ट है सर्च टेक्स्ट विद इन मल्टीपल फाइल्स। तो अलग अलग फाइल्स में हम लोगों को टेक्स्ट को सर्च करना है, मतलब कोई भी एक पार्ट ऑफ टेक्स्ट को सर्च करना है। तो इसका सिंटैक्स है ये, ठीक है, टीएक्सटी फाइल, सब जितनी भी टीएक्सटी फाइल है यहाँ से हम लोगों को सर्च करना है, और हम लोगों का ये जो गीक वर्ड है इसका सर्च करना है, ठीक है। तो जहां जहां ये गीक वर्ड आएगा ये हम लोगों को आउटपुट देगा। जैसे यहाँ पे ये है, फाइल में आया, जहां जहां जो जो है ये हम लोगों को दिखेगा। तो ऐसे करके हम लोग जो टेक्स्ट है ये मल्टीपल फाइल्स मतलब अलग अलग फाइल से हम लोग टेक्स्ट का सर्च कर सकते हैं। ओके, अब अलग अलग जो एक्चुअली हम लोगों के कमांड्स होते हैं, जैसे हम लोगों ने ये कमांड देखी, तो यहाँ पे क्या है हम लोगों के ऑप्शंस भी है, ठीक है ना। तो जैसे ये सब है, इसमें एम्प्टी ऑप्शन है, फिर इसमें ऐसे ये स्टार डॉट टीएक्सटी, मतलब ऐसे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, राइट। तो ये ऑप्शंस का अलग अलग मतलब होता है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हम लोगों को अवेलेबल होते हैं लिनक्स में। तो जैसे कि फर्स्ट वाला है exec, तो क्या है इसका, द फाइल बीइंग सर्च्ड विच मीट्स द अबव क्राइटेरिया एंड रिटर्न जीरो फॉर एज इट्स एग्जिट स्टेटस फॉर सक्सेसफुल कमांड एग्जीक्यूशन, ठीक है। फिर इसमें ऐसे अलग अलग है, फिर ये inum n सर्च फॉर फाइल्स विथ आइनोड नंबर n। तो इसमें क्या होता है, हम लोगों की कितनी मतलब ये यूनिक नंबर होता है एक एक फाइल के लिए जो असाइन किया हुआ रहता है, ठीक है। तो ये नंबर के अकॉर्डिंग हम लोग फाइल को सर्च कर सकते हैं। वैसे ही ये लिंक्स भी यूनिक लिंक होता है। ओके, तो ऐसे ये अलग अलग ऑप्शंस है। अब यहाँ पे और एक कमांड देखेंगे, आरएम कमांड, दैट इज रिमूव कमांड। ओके, तो एक्चुअली क्या है, रिमूव कमांड जो होती है वो कोई भी फाइल को रिमूव करने के लिए होती है। ओके, तो यहाँ पे एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो अलग अलग दो फाइल्स हैं हम लोगों ने ली है, ए डॉट टी एक्स सी एंड बी डॉट टी एक्स सी, सॉरी फाइव फाइल्स हम लोग लेंगे, ए डॉट टी एक्स सी, बी डॉट टी एक्स सी एंड सो ऑन टिल ई डॉट टी एक्स टी, मतलब इसके बाद में सी डॉट टी एक्स टी आएगा, ऐसे डी डॉट टी एक्स टी और ई डॉट टी एक्स टी। तो ऐसे पांच फाइल है हम लोगों के पास, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोगों को एक फाइल रिमूव करनी है एट अ टाइम, रिमूविंग वन फाइल एट अ टाइम, तो हम लोग क्या कमांड लिखेंगे, डॉलर आर एम ए डॉट टी एक्स टी। अब ये ए डॉट टी एक्स टी क्या हो गया, हम लोगों के फाइल का नाम, ठीक है। इसमें मुझे ए डॉट टी एक्स टी फाइल रिमूव करनी है, इसीलिए मैंने क्या लिखा, रिमूव ए डॉट टी एक्स टी। अब डॉलर एल एस, एल एस का मतलब होता है लिस्ट, जो भी डायरेक्टरी या फाइल्स होती है उसकी लिस्ट हम लोगों को ये ऑप्शन से मिलती है, ठीक है। तो ये फाइल जब रिमूव हुआ, पहले हम लोगों का क्या फाइल था, ये पांच फाइल्स थे, राइट। जब रिमूव किया उसके बाद में हम लोगों को फोर फाइल्स ही रह गया, ठीक है। तो ये है, फिर रिमूविंग मोर देन वन फाइल एट अ टाइम। अब इसमें क्या होगा, डॉलर आर एम बी डॉट टी एक्स टी सी डॉट टी एक्स टी, ए हम लोगों ने ऑलरेडी रिमूव किया है, ठीक है, और नेक्स्ट हम लोगों ने बी और सी भी रिमूव किया। ओके, फिर जब लिस्ट हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, डी डॉट टी एक्स टी एंड ई डॉट टी एक्स टी, राइट। ये जो पांच फाइल्स है इसमें से ए डॉट टी एक्स टी हम लोगों ने रिमूव किया, फिर बी डॉट टी एक्स टी और सी डॉट टी एक्स टी, तो रह गया हम लोगों के पास डी डॉट टी एक्स टी और ई डॉट टी एक्स टी। ऐसे हम लोग कोई भी फाइल को रिमूव कर सकते हैं, बीच में से भी आप रिमूव कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे सी डॉट टी एक्स टी रिमूव किया
तो बाकी फोर फाइल्स मुझे दिखाएंगी। ओके, तो इस तरीके से हम लोग कमांड्स का यूज कर सकते हैं। ओके, अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग कमांड हम लोग यूज कर सकते हैं। थैंक यू।